आपको क्या लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो सही है, गलत है, इज इट ओके? लिव इन रिलेशनशिप बेसिकली पुराने जमाने रखेल बोला जाता है उसको। थैंक यू। आप इसको सामने स्टेज पे ला रहा हूँ, ये सब्जियों से उठा रहा है, नाजायज रिश्ते होते हैं। साइटी को कभी आप बांध नहीं सकते दायरे में, ठीक है ना। आपको उसको गुड बैड सिखाना पड़ेगा और डिसीजन उसके ऊपर छोड़ना पड़ेगा। इफ यू आस्क अस, द कॉन्सेप्ट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई परेशानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लिव इन में तो कमिटमेंट है ही नहीं कोई भी, ना समाज की ना किसी की आपस में। भाई हम तो कह रहे हैं एडल्ट है, एडल्ट की अपनी मर्जी है जैसे रहना है। ओके, तो मतलब अगर गिवन अ चॉइस। हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते। इससे पहले दिल्ली का टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंचे, फटाफट लोगों से पूछते कि क्या लिव इन रिलेशनशिप सही है या गलत। आओ, उत्तराखंड कोर्ट ये कहता है कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर रहना चाहते हो तो आपको एक फॉर्म भरना होगा एंड देन यू हैव टू टेल योर पेरेंट्स ऑल्सो, और उसके बाद आपको एक कोई कार्ड मिलेगा जो जो बाकी सहूलियत जो आम एक कपल को मिलती है। मतलब अगर आप लिव इन में रहना चाहते हो तो आप अपने घर वालों को बताओगे, ठीक है, गवर्नमेंट को बताओगे एंड यू कैन लिव। और अगर आपको अलग भी होना है तो उसके लिए भी आपको एक सेपरेट फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। तो अगर ऐसी चीज़ें हों, यू नो, व्हेन एवरीबॉडी हैज़ देयर कंसेंट, घर वाले भी इन्वॉल्व हैं, तब भी इट इज़ नॉट ओके? नहीं, तब इतना ऐसा कुछ नहीं है कि देन इट इज़ ओके ऑलमोस्ट, इफ एवरीबॉडी इज एग्री तो ठीक है। दिस इज अगेंस्ट अवर कल्चर। आई कैन नॉट एक्सेप्ट वेदर द कोर्ट इज सेइंग और द गवर्नमेंट इज सेइंग और गाइडलाइंस आर इशूड और वट एवर इज इशूड। इन माई व्यू इट इज़ नॉट करेक्ट, इट शुड नॉट बी परमिटेड, इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। आज की वेस्टर्न शैतानियत है, वो तो आदमी आदमियों में शादी कर रहे हैं और तो औरतों में शादियाँ कर रहे हैं, वहीं से तो बीमारी आई है। बीमारी कहाँ से आती है? हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको अपने व्यू एक्सप्रेस करने का वो है जी। पर राइट वे में लिविंग रिलेशन से हमारी मतलब जो संस्कृति में इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज मैनी टाइम्स मतलब मैनी सच हैवक, मैनी फेरिशियस इंसिडेंट्स हैव कम इन लाइट, लाइक दैट आफ्ताब, ही वॉज लिविंग इन डेली विद इन दिस लिविंग रिलेशनशिप एंड ही किल्ड दैट गर्ल एंड किल्ड इन सच ए ferocious manner, in draculian manner, that he cut his pieces, cut his her body into pieces. So that was horrible incident. So I don't think that this living relationship or this system is suitable in our. आप ये देखो, बाहर वाले लोगों ने अपना कल्चर अपना लिया है, लेकिन जो इंडियंस हैं वो बाहर वाला कल्चर अपना रहे हैं और वो कहीं के भी नहीं रहते हैं। लिविंग रिलेशनशिप बेसिकली पुराने जमाने में रखेल बोला जाता है उसको। पुराने जमाने में रखेल बोलते थे लड़कों को भी, लड़कियों को। हाँ, अब उसका नाम लिविन दे दिया गया है। अच्छा, वो थोड़ा सा पॉलिश्ड हो गया है। तो फिर लड़के क्या हुए, लड़का लड़की इकट्ठे ही रहते थे? देखो, पहले अब तो टाइम चेंज हो गया। प्रीवियसली इट वॉज अ मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी जी, आई एम टॉकिंग, अभी भी है मोर लेस, पहले जमाने में ये था, तो लड़कों का कोई कंसिडरेशन नहीं था। That was they were not to be evaluated. भैया, लिव इन रिलेशनशिप सही है कि गलत है? भाई सही है, उसमें सही है ना? क्यों सही है? मतलब अपने पार्टनर से मिलना जुलना। क्या क्या फायदे हैं लिव इन रिलेशनशिप के? फायदा क्या ही बताएं आप। देखो, आपकी स्माइल बता रही है आपको बहुत फायदे पता है। कुछ एक आधा क्या फायदा? मतलब ये होता है कि साथ में आदमी रह लेता है, बहुत सारी चीजें जो क्लोज चीजें बातें होती हैं। क्लोज जैसे? जैसे कि मान लो रिलेशन में ये होता है कि आदमी अपनी बातें बताता है, बातें सुनता है, यही चीजें होती है। और क्या, तन मन की बातें आ जाती हैं।
सारी बातें आती हैं तन मन की, और आगे जो भी आदमी करता है बातें सब बातें होती रहती हैं। सलाम नमस्ते देखी थी? नहीं नहीं, मूवी बहुत कम देखता हूँ। फिर मतलब अगर आपको मौका मिले लिव इन रिलेशनशिप में रहोगे आप? नहीं, फिलहाल तो हमारी शादी हो चुकी है। भाई हम तो कह रहे हैं एडल्ट है, एडल्ट की अपनी मर्जी है जैसे रहना है। ओके, तो मतलब अगर गिवन अ चॉइस, अगर आपकी सिचुएशन होती तो आप लिव इन में रहते? नहीं, मेरी चॉइस के हिसाब से तो मैं तो नहीं रहता जी। आई मैरिड। अबे तू पीछे रह गया, कैसा सा है यार हमारा हमारा कैमरा वाला भाग नहीं पाया इतना। अच्छा रुको, सोसाइटी को कभी आप बांध नहीं सकते दायरे में, ठीक है ना। आपको उसको गुड बैड सिखाना पड़ेगा और डिसीजन उसके ऊपर छोड़ना पड़ेगा। आप थोपोगे जब तक सोसाइटी वो रहेगी, बिल्कुल दबी हुई रहेगी। अपने जब तक व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर सकता आदमी तो क्या हो? लिव इन रिलेशनशिप आप ठीक है, आजकल के ज़माने में लोग जो अपना करते हैं ठीक है, एंजॉय करना चाहते हैं जो कर रहे हैं जिंदगी में ठीक है, बट इफ़ यू आस्क अस द कंसेप्ट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मोहब्बतों के पत्ते उड़ नहीं रहे, क्या यही संकेत है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में? पर आपको लग रहा है लिव इन अगर हो जाए तो बाई चांस अगर ये होता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने तो उससे पहले ही अलग हो जाते हैं राधा ने शादी के बाद पता लगे? वो तो शादी के बाद भी अलग हो ही सकते हैं, ऑप्शन तो है ही है, पर उसके बाद बहुत क्लेश है ना फिर। क्लेश ऐसी कोई बात नहीं, क्लेश वाली। आपका क्या लगता है आंटी? मेरे हिसाब से भी ठीक नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फीमेल को भुगतना पड़ता है और शादी के बाद तो दोनों ही भुगतते हैं, चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे। आप कितने साल से भुगत रहे हो अंकल को? 50 हो जाएगा कुछ महीने। बोले 50 होने वाली, कब हो रही है? 2 साल बाद हो जाएगी। 2 साल बाद, चलो कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू, बाय, गुड डे। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। एक ना जब फैमिली चूज़ करती है और एक आप चूज़ करते हो, जब आप खुद पर्सनली चूज़ करते हो किसी चीज़ को, पार्टनर को, तो आप उसकी हर चीज़ ना पहले से जान लेते हो और वो ओपन पहले से हो जाते हैं, तो वो इतना ना वो प्रेम भाव भी नहीं रहता है। रहना है रहो, उसके बाद अपना अलग हो। बिन फेरे हम तेरे। हाँ, बिन फेरे हम तेरे। जय माता दी। कितना वॉक कर लेते हैं आप? आज फर्स्ट डे मेरा। फर्स्ट डे मतलब अंकल फिर तो दौड़ो दौड़ो, शाबाश। हेलो, हाउ आर यू? मैं पूछ रहा था कि लिव इन रिलेशनशिप आपके हिसाब से सही है कि गलत है? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई परेशानी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको मौका मिलता तो आप लिव इन में पहले रहते? यस श्योर। एक मिनट, मैं गलत सवाल, आप रह चुके हैं? रह चुके हैं बिल्कुल। हाँ जी, बताओ ना थोड़ी कहानी, बताओ ना क्या कैसे? नहीं कहानी नहीं, नाउ टेकिंग नेम्स ऑफ कोर्स। नहीं नहीं, स्टिल वी आर टुगेदर, वी आर नॉट मैरिड। ओ नाइस, हाउ लवली, क्या बात। तो आप कैसे मिले थे? नहीं, मिले थे कंपनी में। Okay. I was working and she was also there. This is when? 25 years before. Okay. So 25 साल से साथ में हैं हम लोग. And there is no problem absolutely. Everything is fine. Everything is fine, just fine. क्या बात है? एक दूसरे. मतलब वो सही कहते हैं कि प्यार की कोई लिमिट नहीं होती, एज लिमिट नहीं होती. नहीं बिल्कुल. दिल जवान होना चाहिए. वो दिल से हो तो कोई शिकायत नहीं होती. मेरे विचार में ये जो लिविंग, ये जो सिस्टम है लिव इन रिलेशनशिप, इसमें स्पेशली गर्ल की जो फ्रेटर्निटी है या गर्ल के जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हद तक जागरूक होने की ज़रूरत है, और उस लड़की को भी जो साथ में रहना चाहती है विदाउट एनी जैसे मैरिटल बॉन्ड, उसको भी ये सोचना पड़ेगा कि ये लड़का मुझे धोखा भी दे सकता है, और ये मगर जो है पहले जो इंसिडेंट हुए हैं उनसे अगर उसको कोई प्रेरणा नहीं मिलती, कोई सबक नहीं मिलता, तो मैं नहीं समझता कि मतलब कोई ये कोई अकलमंदी की बात है। ये तो कोर्ट का मसला है ही नहीं। कल को आप कुछ कह दें, अपना कानून आके लिए आए, ये तो वायरस हो गया, जो कह रहे थे चाइना से आ गया वायरस, तो ये भी वायरस आए हुए हैं हमारे, इसको ट्रीट करो। इलाज क्या है? हॉस्पिटल में मेंटली ट्रीट करो। हैं? मेंटल हॉस्पिटल, दिमागी बीमारी है। अच्छा, अब आपने पागल भी बोल दिया। पागल, ये दिमागी बीमारी है, दिमागी, जैसे बहुत सारे पागल खाने जाइए ना। हाँ। बहुत सारे पागलों की अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, तो ये भी एक बीमारी है।
मैं इस बात से मैं तो अपनी सैनिटी क्वेश्चन करूंगा। अच्छा आजकल ये भी देखा जाता है कि उसके पास ज़्यादा पैसा है, वो लड़की इतना ग्रो कर रही है, ये कर रही है, तो आजकल ये भी ज़्यादा हो गया है। मुझे नहीं लगता कि अट्रैक्शन मटेरियलिस्टिक हो गया आजकल के आजकल के ज़माने में। प्रोफेशनल्स हो गए हैं बहुत ज़्यादा कि उनको उनको सिर्फ एक आपको बॉडी की नीड है वो पूर्ति हो रही है, आपको पैसा आ रहा है वो पूर्ति हो रही है, दैट्स ऑल। मेरे इमोशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कुछ भी नहीं रह गया, कुछ भी नहीं, मतलब सब दोनों ही अपना फ़ायदा देखते हैं। रूल सबको रेगुलेशन समझाओ, बट आपको मॉरल पुलिसिंग की जरूरत नहीं है, आपको इतने अच्छे से समझाना है कि यू शुड डिस्टिंग्विश व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड, उसके लिए क्या सीखा हिसाब से डिसीजन ले। अभी क्या है ना, जब सारे के सारे ओपन रहते हैं, ठीक है, हर चीज़ ओपन है, हर चीज़ उन्होंने उनको इतनी जल्दी रहती है ना, फास्ट सब चीज़ कर लेते हैं, उसके बाद उनके पास कुछ करने के लिए होता नहीं, फिर क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। और बच्चे आजकल के जो कहते हैं कि जी हम ना मतलब लिव इन में रह लेंगे, हमें शादी करने की ज़रूरत नहीं है, कमा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सब बहुत इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि ना उनको मतलब लगता है कि बस हम ही हैं सब कुछ, माँ बाप से भी ऊपर हैं, क्या नहीं ऊपर हैं, और ये जो हम कर रहे हैं ना वही सारा कुछ सही है, बट ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि देखो कितना गलत असर पड़ता है ना, बेबी हो गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने को तैयार होता उन चीज़ों की। एक वो शादी से क्या होता है, एक थ्रेड है वो बन जाता है, शादी का डर है, शादी वो कितने सारे वो टूट रहे हैं, फैमिली इन्वॉल्व, फैमिली टूट रही है इसी चक्कर में कि लिव इन रिलेशनशिप में वो सारी चीज़ें, वो जो रीति रिवाज थे वो सारे खत्म हो रहे हैं। अगर आप देखें तो पहले जो मैरिज होती थी वो लॉन्ग लाइफ और कहते थे 7 जन्मों का संबंध है, और उसमें मैं नहीं सोचता पहले वालों में बहुत ज़्यादा कोई ब्रेकअप होता था या कोई डाइवोर्स वगैरह होते थे, बल्कि हिंदू मैथोलॉजी में आप देखेंगे डाइवोर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, या तो इंग्लिश का शब्द है या उर्दू का शब्द है, लेकिन हिंदी में कोई आपको इसका शब्द नहीं मिलेगा। तो पहले इस तरह की चीज़ होती नहीं थी, एक बार आपकी शादी होगी तो आपको लगता था कि जिंदगी यही है, जिंदगी भर जो है यही है, तो उसका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता था। और अभी आप चाहे जितना जान लें न जान लें, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कितना जल्दी वो तो छोटी छोटी चीज़ों पर ब्रेकअप हो जाता है, जानने के लिए पूरी पूरी दुनिया कम, पूरी ज़िंदगी कम है, चाहे जितना अंडरस्टैंडिंग है आपकी, लेकिन उसके बावजूद भी बाद में ब्रेकअप्स होते हैं, उसका रेट बढ़ा है अभी जो है। तो ऐसी कुछ लोकेशन थी वीर जरा में, ये लोधी गार्डन है, वैसे वो लोकेशन पुराना किला थी जहाँ पे वीर जरा को आखिरी बार बाय बाय बोलता कि अब हम नहीं मिलेंगे, और वो प्यार चंद दिनों का प्यार था, फिर भी कितना गहरा प्यार था। खैर लिव इन की बात चल रही है, आपकी क्या राय है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, होने चाहिए ये नहीं होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नाम है रमित, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जी स्विच। ओके टाटा बाय बाय नमस्ते।